यह नज़ारा मथुरा रिफाइनरी नगर का है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर किए गए लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। रिफाइनरी नगर के सभी बाशिंदे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। रिफाइनरी नगर टाउनशिप की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित शॉपिंग मॉल सेंटर में भी व्यापारियों द्वारा बाजारों को पूर्ण रूप से बंद कर रखा हुआ है। हालांकि दो दिन रिफाइनरी नगर के व्यापारियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन भी जमकर किया था, जब वॉइस फॉर नेशन न्यूज चैनल के पत्रकार दिनेश सिंह तरकर द्वारा रिफाइनरी मैनेजमेंट से व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने की शिकायत की गई, तो रिफाइनरी मैनेजमेंट ने संज्ञान लेते हुए बताया कि जो व्यापारी लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फॉर नेशन न्यूज में दिनेश सिंह तरकर। पीएम मोदी के लॉकडाउन के आह्वान पर पूरी तरह से देश में समर्थन किया जा रहा है। हम हैं आज मथुरा रिफाइनरी नगर में, यहाँ शॉपिंग सेंटर है। हम शॉपिंग सेंटर में इस समय आप देख सकते हैं, पूरी शॉपिंग सेंटर में इस समय सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, पीएम मोदी जी के आह्वान का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। हम भी आप सभी देशवासियों से यही अपील करते हैं कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। वॉइस फॉर नेशन के लिए मनीष चौधरी के साथ दिनेश सिंह तरकर, मथुरा। वहीं योगी सरकार द्वारा फंसे हुए दिहाड़ी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए यूपी में रोडवेज बसें चलाई जा रही हैं। जगह जगह समाज सेवियों द्वारा रोड पर पैदल चल रहे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। पीएसी कैंप के जवानों द्वारा भी सड़कों पर पैदल चल रहे राहगीरों के लिए नर सेवा ही नारायण सेवा का भाव रखते हुए भोजन वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान जो दिहाड़ी मजदूर सभी जगह फंसे हुए थे, आज उनके लिए यूपी सरकार द्वारा बसें चला दी गई हैं। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ पीएसी के जवान हैं, जिनके द्वारा उन मजदूरों को भोजन प्रोवाइड किया गया है। क्या आपके द्वारा भोजन प्रोवाइड किया गया है? जी, हमारे द्वारा यही प्रोवाइड किया गया कि जो दिहाड़ी मजदूरी हैं, जो दिल्ली या राजस्थान या मथुरा से जो अपने घर की ओर भाग रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डर है कि ये कहीं लंबे दायरे तक ना लॉकडाउन कर दिया जाए, इनमें डर दहशत है, इसलिए अपने गाँव अपने शहर की ओर लौट रहे हैं। इनके लिए हमने एक खान पीन का व्यवस्था किया, जो आप उनके सामने वितरण किया जा रहा है। एक यह एक ऐसी राष्ट्रीय आपदा है कि इस समय आपके द्वारा ये जो सहयोग किया जा रहा है, बहुत बेहद सराहनीय सहयोग है, लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। कैसा आपको लग रहा है आज ये सहयोग? राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व पर ये आपदा आई है। इससे निपटने के लिए जिस व्यक्ति जहाँ भी फंसा है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। जिस पर जिस तरह से सहायता हो, कोई घर के अंदर रह के कर रहा है, कोई घर से बाहर रह के कर रहा है, हमारी डॉक्टर्सों की टीम है, हमारी पुलिस की सारी टीम है, पीएससी लगी हुई है हमारी। हम पीएससी 38 अलीगढ़ के कैंप से, हमारा कैंप लगा हुआ है यहाँ पर, यहीं हमने अपना खाना बनवाया है। मेरे तथा मेरे साथियों द्वारा मिलके जो भी सुविधा समुचित की गई है, उस तरह से हम लोगों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारे भी भाई फंसे हुए हैं, कोई कहीं फंसा हुआ है। अब लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने घर तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जो पता नहीं दो दिन से भूखे हैं, तीन दिन से भूखे हैं। जितनी हम लोगों के से सेवा करने की हो रहा है, उतनी हम कोशिश कर रहे हैं। हम बाकी जनता से भी अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से जितनी भी हेल्प की जाए, लोगों की हेल्प करें। कुछ लोग हैं मंडी में, दुकानदार हैं, जो कि इस भुखमरी के टाइम पे भी लूट मचा रहे हैं। उनसे भी निवेदन करूंगा कि जो भी उचित सामान उचित दर पर खरीद रहे हों, जितना हो सके उन्हें किफ़ायती दर पर देने की कोशिश करें। मेडिकल वाले हैं, कोई भी हो, सभी, क्योंकि ये विपदा पूरे विश्व पर एक साथ पड़ी है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज भगवान ने अगर हमको इसे लायक बनाया है, तो हम लोगों की सेवा कर सके। मानव सेवा ही परमो धर्म, नर सेवा ही नारायण सेवा है। मैं इस लोगों से वो करूंगा, अगर नर की आपने सेवा कर ली, तो नारायण की खुद भी खुद सेवा हो जाएगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ पीएससी के जवान थे, जिनके द्वारा आज जो दिहाड़ी मजदूर जो अपने घरों के लिए, अपने गंतव्य के लिए जो पहुँच रहे हैं, उनको भोजन देने की एक व्यवस्था की गई है। बहुत ही सराहनीय कार्य पीएससी जवानों द्वारा यहाँ किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यूपी सरकार द्वारा आज जो निर्णय लिया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में बसों का संचालन करना, ताकि जो लोग पैदल ही अपने गंतव्य के लिए निकल चुके थे, वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं दिनेश सिंह तरकर, मथुरा।